गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो जो पेपर तुम लोग का यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो हम लोग क्या समझते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि हम लोग जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी हम लोग बना रहे हैं तो वो हमारा फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, वो हमारा फंक्शन कैसे कर रहा है, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं उसको हम लोग डील करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल तुमको अगर हम बोले कि एक सर्किट बनाओ जो कि तुम्हारा ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल यानी कि एक सर्किट बनाओ जो कि तुम्हारा ट्रैफिक लाइट सिग्नल को मेंटेन कर सके, तो वो सर्किट कैसे बनाओगे, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दो सर्किट, तो वो जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, और जब हम लोग डिज़ाइन करके उसको बना करके पीसीबी प्लेट में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो हम लोग वी आर क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर ऑफ दैट, ठीक है। तो यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूनिट वन में। तो यूनिट वन में क्या है तुम्हारा, एक्सियम्स, लॉ, बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक क्या है तुम्हारा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सब बेसिक गेट्स, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, हम लोग इसको हम लोग बूलियन उसी में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले गेट्स पढ़ लेंगे, गेट्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग थोड़ा बूलियन अलजेब्रा देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा यानी कि जो है तुम लोग पढ़ते होगे बूलियन अलजेब्रा में, डी मॉ बूलियन अलजेब्रा वो देखेंगे, फिर रिडक्शन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, रिडक्शन कैसे करते हैं हम लोग, बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो भी है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बूलियन इक्वेशंस को रिड्यूस करने में, एक तो एक हम लोग यूज़ करते हैं तुम्हारा के मैप सिंप्लीफिकेशन और एक यूज़ करते हैं बूलियन अलजेब्रा थ्रू विच वी रिड्यूस द सर्किट, ये थ्रू विच वी रिड्यूस द सर्किट। तो यानी कि दो टाइप का हमारा सर्किट बेसिकली होता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, दो टाइप का होगा, एक सीक्वेंशियल सर्किट और एक है कम्बिनेशनल सर्किट। तो कम्बिनेशनल सर्किट क्या कहता है, कम्बिनेशनल सर्किट में जो है कि कभी भी किसी भी गेट का आउटपुट जो है किसी भी दूसरे गेट का इनपुट कभी नहीं होगा, तो दैट इज़ कम्बिनेशनल। और हमारा सीक्वेंशियल क्या बोलता है कि सीक्वेंशियली एक गेट का आउटपुट जो है वो हमारा दूसरे गेट का इनपुट हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज़ द सीक्वेंशियल, ठीक है। दिस इज रिडक्शन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, कन्वर्शन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट में करनौफ मैप, ये जो हाफ एडर यहाँ पे के मैप हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हाफ एडर और फुल एडर ये हम लोग बनाना सीखेंगे। ये हाफ एडर क्या होता है, दो बिट एडिशन को हम लोग बोलते हैं हाफ एडर। तो ये हम लोग सर्किट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे हम लोग, हाफ एडर का सर्किट कैसे बनाएंगे, फुल एडर कैसे बनाएंगे, 4-bit पैरेलल पैरिटी बिट जनरेटर ये हम लोग देखेंगे, चेकर सर्किट, ठीक है, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। रैम, रोम, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल सर्किट्स, स्टेट डायग्राम, फ्लिप फ्लॉप्स, JK, RS, JK, DT, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप तुम लोग भी ये BCA किए हुए हो, BCA का स्टूडेंट हो बहुत कोई, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मेमोरी एलिमेंट, यानी कि एक बिट इंफॉर्मेशन एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कहने का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट टू में ये मेमोरी लोकेशंस एंड एड्रेसेस, ठीक है, जैसे बाइट एड्रेसेबिलिटी, बिग इंडियन, लिटिल इंडियन असाइनमेंट्स, वर्ड अलाइनमेंट, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग देखेंगे इसमें, एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखेंगे, सब रूटीन्स देखेंगे, एडिशनल इंस्ट्रक्शन, डीलिंग विद 32-bit मशीन वैल्यूज, यानी कि ये जो है ये हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। व्हाट यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, देखो
कोई सा भी प्रोसेसर जो हम लोग लेते हैं, कोई सा भी प्रोसेसर आगे तक अभी कभी जो भी प्रोसेसर या फिर कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर हम लोग लेते हैं, तो हर एक माइक्रो कंट्रोलर या फिर हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अपना एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके जैसे तुम जब प्रोग्राम लिख रहे हो सी में, तो सी में जो प्रोग्राम लिखे वो क्या करता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जो लोग पढ़े होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में नहीं कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्टेड इन इनटू द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और फिर ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो प्रोसेसर जो सपोर्ट कर रहा है, दैट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज़ सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो वही ही इसमें हम लोग जो इंस्ट्रक्शन सेट्स देखेंगे, किसी का इंस्ट्रक्शन सेट जो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट एंड पाइपलाइनिंग। तो प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाते हैं सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट, इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स वो देखेंगे, कंट्रोल सिग्नल, फिर हार्डवायर्ड कंट्रोल, सिस्क स्टाइल प्रोसेसर, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर। तो सिस्क जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में क्या रहता है कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो सारा भी एडेड रहता है वो इंस्ट्रक्शंस में, उसको सिस्क प्रोसेसर बोलते हैं। और रिस्क प्रोसेसर क्या करते हैं, रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं रिस्क में, हम लोग बहुत सारा जो अनयूज्ड इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क कंप्यूटर और रिस्क प्रोसेसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द पाइपलाइनिंग, जो पहले हमारा आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, या दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। जैसे जो पाइप में पानी जो पहले आया दैट वाटर इज़ टू बी लेफ्ट आउट फर्स्ट, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। तो पाइपलाइनिंग जो है उसी में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग इसमें प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग कैसे करते हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन पाइपलाइनिंग, डेटा डिपेंडेंसी, मेमोरी डिलेज क्या होता है, ब्रांच डिलेज क्या होता है, पाइपलाइन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग यानी कि बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट एंड पाइपलाइनिंग यूनिट 3 में वी आर गोइंग टू सी दिस। फिर नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा आ जाता है सेमीकंडक्टर, रैम मेमोरीज के बारे में पढ़ना है, रैम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम लोग देते हैं, फिर रीड ओनली मेमोरीज, रोम के बारे में पढ़ना है, फिर डायरेक्ट डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एसेस डीएमए। तो डीएमए क्या होता है, पता है व्हाट इज डीएमए? तो डीएमए जो है क्या करता है कि जैसे हमको पेस्ट कर रहे हैं सीडी ड्राइव से कोई मूवी पेस्ट कर रहे हैं तुम्हारा इसमें हार्ड ड्राइव में, तो क्या करता है पहले प्रोसेसर क्या करता है, इनिशिएट कर देता है सीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क का ऑपरेशन को, दोनों अपना पेस्टिंग जब शुरू हो जाता है तो प्रोसेसर इज आइडल, तो प्रोसेसर अपना कंट्रोल बैक वापस ले लेता है जब तक वो काम चल रहा है। तो इसमें हम लोग उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एसेस, ठीक है। फिर मेमोरी हायरार्की, कैश मेमोरीज क्या होता है, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, वर्चुअल मेमोरी क्या हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट और सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये सारा हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे इस यूनिट 4 में, दैट इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर लास्ट में जो है इनपुट आउटपुट एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। इनपुट आउटपुट एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में एसेसिंग आईओ डिवाइसेस, ठीक है, इंटरप्ट्स के बारे में देखेंगे, कैसा इंटरप्ट है, मास्केबल है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो वो सारा इंटरप्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, इंटरप्ट कैसे होता है, इंटरप्ट ऑकर होता है तो क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे इसमें। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे इसमें, बस स्ट्रक्चर, बस ऑपरेशन, आर्बिट्रेशन, इंटरफेस एंड इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड्स, ये सारा चीज़ हम लोग जो है यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग ये हम लोग देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग हार्डवेयर में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वेक्टर एसआईएमडी प्रोसेसिंग, ठीक है,
SIMD, shared memory multiprocessors, वो हम लोग देखेंगे, कैश कोहरेंस, मैसेज पासिंग, मल्टी कंप्यूटर्स, पैरेलल प्रोग्रामिंग फॉर मल्टीप्रोसेसर्स और परफॉर्मेंस मॉडलिंग। तो ये सारा जो है हम लोग इसमें क्या बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में लास्ट टॉपिक में देखेंगे। तो इतना आज है, आज हम पूरा सिलेबस का आउटलाइन तुम लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट वन यानी कि डिजिटल लॉजिक ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से दिस फर्स्ट यूनिट विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो आज दिस वॉज इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो डिस्कशन फोरम में पूछ लेना, ठीक है।